जनसन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। आपको बताते चले, क्रिकेट के कोहिनूर कहे जाने वाले एमएस धोनी की मुश्किलें जो है वो घटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जहां एक और अभी हाल में उनके घुटने का दर्द बहुत परेशान किया था, जिसके लिए वो वैद्य के पास गए थे और काफ़ी चर्चा में भी रहे वो वैद्य, लेकिन अब जो मुश्किलें उनके समक्ष आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के अंदर उन्हें भुगतान करने को कहा है। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मामला है अम्रपाली ग्रुप से जुड़ा हुआ। आपको पता होगा कि अम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर, रियल इस्टेट कंपनी अम्रपाली, जिनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, लेकिन 2016 में उन्होंने सारे नाते तोड़ लिए थे अम्रपाली ग्रुप से। ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए जब उन्होंने सारे नाते तोड़े एमएस धोनी ने, तो एमएस धोनी ने आरोप लगाया कि करीबन 150 करोड़ रुपए मेरा बकाया है, अम्रपाली ग्रुप ने मुझे भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचे थे। तो वहाँ पे एक कमेटी की गठन भी की गई थी जो जांच पड़ताल करी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया है और नोटिस इस मामले को लेकर है कि 1800 करीबन खरीदारों ने अम्रपाली ग्रुप के कुछ फ्लैट्स खरीदे थे और उस फ्लैट्स में जो खरीदार है उनमें एमएस धोनी का नाम भी शामिल था और एमएस धोनी ने उसको लेकर अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। आपको बता दें कि नोएडा में करीबन 2 से 3 फ्लैट खरीदने की बातें सामने आ रही है, घर खरीदने की सामने आ रही है एमएस धोनी द्वारा, और कहा जा रहा है उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है और 15 दिन के अंदर भुगतान करने को कहा है। तो कहीं ना कहीं एमएस धोनी को इसमें राहत बिल्कुल भी मिलते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि जवाब भी मांगा है। तो 15 दिन के अंदर उन्हें जवाब के साथ साथ भुगतान भी करना है। आपको बताते चले, अम्रपाली ग्रुप के साथ उनका विवाद तब बढ़ा था जब 150 करोड़ रुपए उन्होंने जब डिमांड की थी और कहा था कि मैं ब्रांड एम्बेसडर था और मुझे इसका पैसा नहीं मिला, तब जाके दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता जो नेक्स्ट पार्टी है पीड़ित, उन्होंने कहा था कि हमारे फ्लैट्स की बिक्री नहीं हो रही है, लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है, फंड की कमी है और यहाँ एमएस धोनी हमसे 150 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, हम कैसे देंगे। इसको लेकर बातें सामने आई थी और काफ़ी ये विवाद लंबा चला था, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस आ रही है जिसे 15 दिनों के अंदर, आपको बताते चले, भुगतान और पैसा दोनों, नोटिस और जवाब भी देना है और पैसा भी देना है। तो आने वाले समय में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि 15 दिन के अंदर एमएस धोनी, रांची के सुपरस्टार एमएस धोनी, भुगतान करते हैं, जवाब देते हैं या फिर नहीं देते हैं, क्या कुछ अपडेट होगा। बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।